जी के शिष्य बन गए भगवान राम, सांदीपनी मुनि के शिष्य बन गए भगवान कृष्ण, गंगादास पंडित के शिष्य बन गए चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय के शिष्य बन गए रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं रामानंद राय से उनका यश फैलाने के लिए। और जब संतुष्ट नहीं होते ये सारे काम करके, तो भगवान स्वयं खुद ही उनका यशोगान करना शुरू कर देते हैं, खुद ही उनका महिमा, अपने भक्तों की महिमा का वर्णन शुरू कर देते हैं। जैसे भागवतम में, जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है शिला रूपा गोस्वामी का गुणगान कर रहे थे, और जब गुणगान कर रहे थे तो ऐसे गुणगान कर रहे थे जैसे उनके एक नहीं पांच मुख हों, ऐसे उनका गुणगान कर रहे थे, खुद ही गुणगान करना शुरू कर देते हैं उनका अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए। समझ नहीं आता उनको कि कैसे यश बढ़ाऊं, और कभी कभी भगवान यश बढ़ाते हैं केवल अपने भक्तों का आलिंगन करके। जब भगवान कुछ कर नहीं पाते, अपनी भक्तों की सेवा का प्रतिकार नहीं कर पाते कि आपने ये सेवा की थी ये लो आपको इसका पुरस्कार मैं देता हूँ इनाम देता हूँ, नहीं दे पाते तो भगवान क्या करते हैं, आलिंगन कर लेते हैं। जैसे भगवान राम ने हनुमान जी का आलिंगन किया, हनुमान जी का आलिंगन ये पुरस्कार दे रहे हैं उनकी सारी सेवाओं का, और हनुमान जी उस पुरस्कार को स्वीकार करके प्राप्त करके गदगद हो गए, उससे अधिक उनको पुरस्कार कहाँ से कैसे मिलेगा, संभव नहीं है। इस तरह से भगवान गुणगान करते हैं, लेकिन इसके अंदर बाधा कहाँ से आती है, इसके अंदर बाधा आती है जब हम कुसंग करते हैं, जब हम गलत लोगों का संग करते हैं। और गलत लोगों का संग करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि असुरी बन के आप गलत लोगों का संग कर सकते हो, आप भगवान की भक्ति करते समय भी आप कुसंग कर सकते हो। जैसे जब भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ गए थे स्वर्गलोक, वहाँ पे इंद्र की माता अदिति को उनके आभूषण प्रदान करने के लिए जो नरकासुर ने चुरा लिए थे, और वहाँ से जाते जाते पारिजात वृक्ष को भगवान ने बोला भी ये लेके जा रहा हूँ मैं, और इंद्र उनकी पत्नियों ने बोला, इंद्र की पत्नियों ने वृक्ष कैसे ले जा सकते हैं रोको, और इंद्र ने ये सोचा कि ये अपनी पत्नियों के वशीभूत है, भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के वशीभूत होकर ये वृक्ष को लेके जा रहे हैं काम वासना से आसक्त होकर पीड़ित होकर, अपनी पत्नियों के वश में खुद है, खुद इंद्र अपनी पत्नियों के वश के अंदर है, लेकिन सोच रहा है कि भगवान अपनी पत्नियों के वश में। अरे भगवान तो अपने भक्तों की सेवाओं का प्रतिकार, क्यों उनकी सेवाएं कर रही हैं उसका, उसके एवज में, उसके प्रतिकार के रूप में, पुरस्कार के रूप में भगवान उनकी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। लेकिन इंद्र ने क्योंकि कुसंग कर लिया, अपनी पत्नियों के स्त्रियों के वश में आ गया वो, और ये सोचना शुरू कर दिया कि देखो कृष्ण जो है वो स्त्रियों के वशीभूत है, मुझे रोकना चाहिए, मुझे उनको जो है उनको संशोधन करना चाहिए, उनको करेक्ट करना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनको सुधारूं, उनको अनुशासित करूं। अब भगवान से लड़ने के लिए पहुंच गया। नरकासुर की हमने बात की, जितने भी असुर हैं ये सब कुसंग के कारण है, सब कुसंग के कारण है। तो हम जो भक्त हैं, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि जो हम भक्त हैं सारे, हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, फिर भी कुसंग की हमेशा हमारे पास अवसर उपलब्ध रहते हैं, हमेशा अवसर उपलब्ध रहते हैं। जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन के पास विदुर जी भी थे और शकुनी भी था, दोनों का
बात सुनने की उसके पास में अवसर था। उसने विदुर जी की बात नहीं सुन के शकुनी की, सौबल की बात सुनी और पूरा वंश का विनाश कर बैठा। ऐसे ही हम लोग भक्ति कर रहे हैं इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन हमें हमेशा हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि हम लोग कहीं पर भक्तों के बीच में रहकर भी कहीं हम कुसंग तो नहीं कर रहे, कहीं पर हम ऐसे भक्तों का साथ छोड़कर जो कि चुभते हुए वचन बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करोगे तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। ऐसे भक्तों का संग छोड़ के चलो वृंदावन घूमने चलते हैं। अरे वृंदावन घूमने का स्थान नहीं है भाई, वृंदावन पूजा करने का पूजनीय है, वृंदावन की पूजा करनी चाहिए। हम वृंदावन नहीं जाना चाहते, हम लोगों को वृंदावन भेजना चाहते हैं, हम वृंदावन नहीं जाना चाहते, हम वृंदावन की सेवा करना चाहते हैं। ऐसी भावना रखने वाले भक्तों का संग छोड़ के, विदुर जैसे भक्तों का संग छोड़ के हम लोग अगर कुसंग करेंगे, जो हमें भक्ति में कॉम्प्रोमाइज़ करने का, समझौता करने का जो हमें परामर्श देते हैं, सुझाव देते हैं, ऐसे लोगों की बात सुनेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है, सावधान रहने की आवश्यकता है। माला हाथ में पकड़ने से आप, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाओगे, भगवान परीक्षा लेते हैं आपकी श्रद्धा की, आपकी भक्ति की, भगवान कदम कदम पे परीक्षा लेंगे, तो वो परीक्षा हम उत्तीर्ण कर पाएंगे, वो परीक्षा हम पास कर पाएंगे, एग्ज़ाम में हम आगे बढ़ पाएंगे, हम जब हम अच्छे भक्तों के सत्संग के अंदर जब हम रहेंगे। बहुत ही विवेकपूर्ण, बहुत ही सजग रहकर एकदम पूरी तरह से हमेशा चारों तरफ हर चीज़ को देखकर बहुत ध्यान से हमें वैष्णवों के संग के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। अगर हम वैष्णवों के संग के प्रति सजग नहीं रहेंगे तो कुसंग के कारण इतने भक्त असुर बन गए, हम भी बन सकते जाएंगे, हमारे भी असुर बनने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि अभी आप असुर नहीं बन सकते, बन जाते हैं लोग, बने हुए हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लो गौड़ीय वैष्णव की, बड़े लोग बन गए, बहुत लोग थे जो अच्छे अच्छे भक्तों में जिनकी गिनती होती थी, असुर के समान व्यवहार करना शुरू कर दिया उन्होंने, माला उठा के फेंक दी। उनके साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ भी हो सकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। इसको यहीं पे विराम देता हूँ।